हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जूलॉजी. आज क्लास में हमें पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो लेट अस स्टार्ट. इटा लागरु आमे जन पढ़ी थी ना दैट इज हार्ट इन वर्टिब्रेट्स. माने अलग अलग वर्टिब्रेट्स रे केते चैम्बर ऑफ हार्ट से केंता सर्कुलेशन हैसी से विषय आमे पढ़ी थी ना. इन दिस वीडियो वी विल गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो लेट अस स्टार्ट. सो हार्ट इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डिया और कोर. हार्ट के आइदर कार्डिया को आ जाएसी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोर. तो जेन अभी कार्डिया वर्ड लगवा और कोर वर्ड लगवा सेटा हार्ट की डिनोट करसी. सो लाइक कार्डिया कोरोनरी ये सब वर्ड के हमें हार्ट लगे यूज करी पारबा. फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट इट मीन्स हार्ट स्पेशलिस्ट के कार्डियोलॉजिस्ट को आ जाएसी. जेन कोरोनरी वर्ड लगवा दैट इज ऑल्सो यूज फॉर हार्ट लाइक कोरोनरी आर्टेरी कोरोनरी साइनस से विषय हमें आगे पढ़वा. द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स इन द कार्डियक नोज अबव द डायफ्राम. सो सी ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. आमर जन रिप केज अच्छे और आमर जन लंग्स पढ़ाला बेले कहाई थी कि सामने स्टर्नम थीसी से रिप्स मैंने बाहरी थीसी. से जन आमर रिप केज अच्छे और थोरैसिक कैविटी सेने दुईटा लंग्स अच्छे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट अर्लियर. आउ आमर जन लेफ्ट लंग अच्छे लेफ्ट लंग रे कार्डियक नोज थी माने इटा गुटे खास बागी जगह टे थिबा. सी दिस इज द कार्डियक नोज. आउ कार्डियक नोज रहेगा हार्ट टा प्रेजेंट थिबा अबव द डायफ्राम. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डायफ्राम इज द मसल. सी दिस इज द डायफ्राम मसल जेन तार ऊपर की लंग्स प्रेजेंट अच्छे. सो दिस इज प्रेजेंट अबव द डायफ्राम. द हार्ट इज होलो फाइब्रोमस्क्युलर एंड फोर चैम्बर्ड ऑर्गेन. हार्ट होलो है माने भितर फंपा अच्छे. फाइब्रोमस्क्युलर माने मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड मस्क्युलर टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और मसल्स रु सेटा तैयारी थी. एंड फोर चैम्बर्ड ऑर्गेन चारटा चैम्बर हार्ट रे थिबा. इट इज कोनिकल और पिरामिड शेप. एटा समहाउ कोनिकल और पिरामिड शेप रे देखा जायसी. द साइज इज 12 cm 9 cm एंड 6 cm. 12 cm तार लंबा है 9 cm तार चौड़ा है और 6 cm इज द थिकनेस. द अपर ब्रॉड पार्ट इज बेस एंड द नेरो लोअर पार्ट इज एपेक्स. तो नॉर्मली कहना है कि भी स्ट्रक्चर तुम्हें देखो. फॉर एग्जांपल लंग्स आम सब बोले तलर पार्ट के तार बेस वाली कहमा. बट इन केस ऑफ हार्ट तलर पार्ट के कहा जाएसी एपेक्स. सी दिस इज द हार्ट. हार्ट रो जेन तलर पार्ट अच्छे जेनता कि टिके नेरो अच्छे टिके सरु अच्छे ताके एपेक्स कहा जाएसी. आउ ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड एज बेस. ऊपर जेन ब्रॉड पार्ट अच्छे ताके कहा जाएसी बेस. इट इज प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स रिब. एटा फिफ्थ और सिक्स रिब र मझे प्रेजेंट थी. द साइज इज सेम एज द साइज ऑफ ह्यूमन फिश. जिते बेले ह्यूमन फिश आम जो मुठा बंद करमा मुठा एत की साइज थी ह्यूमन एडल्ट हार्ट रो साइज. वेट इज 300 ग्राम्स इन मेल एंड फीमेल रे वेट होचे 250 ग्राम. इट इज एवरेज वैल्यू है वेट रो. नाउ कम टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आवर हार्ट इज एनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. आवर हार्ट इज एनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. सी इटा आमर हार्ट पिक्चर देख. दिस आवर हार्ट. आमर हार्ट के चारिआड़ गोटे मेम्ब्रेन टे कवर करना रखीचे. दिस इज द हार्ट. इटा हूँ देख चारिआड़ गोटे पलिथिन भाया स्ट्रक्चर देखा जाए और गोटे जरी लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए. दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरीर अर्थ हूँ चारिआड़े बाहर साइड रे ताकि कहा जाएसी पेरी. माने बाहर चारिआड़ गोटे जेरेस्ट थी बोले ताकि पेरी कहा जाएसी. एंड कार्डियम मीन्स हार्ट. तो पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन जेनटा कि हार्ट के चारिआड़ बाहर कवर करना रखीचे. एंड दिस इज डबल वॉल से दुईटा वॉल थी. द आउटर वॉल इज थिक कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर एंड द इनर वॉल इज थिन कॉल्ड एज सेरस लेयर. सो व्हाट इज द टू लेयर. आउटर लेयर देख दिस इज द फाइब्रस लेयर जेनटा कि बाहर देखा जाऊे. एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज सेरस लेयर जेनटा भितर थी. तो आम सेरस लेयर के अगेन दुटा लेयर डिवाइड कर दीचु. इनर लेयर इज विसेरल लेयर और विसेरल पेरिकार्डियम. सी ये जन तुमके दुटा लेयर देखा जाऊे इटा हूँ इनर लेयर दैट इज द सेरस लेयर. तो सेरस लेयर के अगेन दुटा भाग डिवाइड करा हुचे. ये जन लेयर अच्छे देख इटा जो भितरर लेयर है ताकि कह जाए इनर सेरस और विसेरल लेयर. दिस इज द विसेरल लेयर. सी इन द पिक्चर लिखा हीचे. एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेराइटल लेयर. माने सेरस लेयर आउटर लेयर के कहा जाए पेराइटल लेयर और आउटर सेरस लेयर. सो इन बिटवीन द टू सेरस लेयर पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट. तो ई जन पेराइटल लेयर अच्छे आउ जन विसेरल लेयर अच्छे सेरस लेयर रो
ये दुईटा भितर गोटे स्पेस प्रेजेंट थी जहाँ कहुसी पेरिकार्डियल स्पेस और ये स्पेस ने जन खाली जगह थी गोटे फ्लुइड ताकि कहुसी पेरिकार्डियल फ्लुइड दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लुइड और पेरिकार्डियल कैविटी दैट इज नॉट स्पेस पेरिकार्डियल कैविटी कहुसी ताकि जेनटा कि स्पेस प्रेजेंट रखे इन बिटवीन द टू सेरस लेयर आउ से जन फ्लुइड प्रेजेंट थी ताकि कहुसी पेरिकार्डियल फ्लुइड सो दिस हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्प्शन एंड एक्ट एज लुब्रिकेंट तो पछ हार्ट उपरे किछ शॉक और किछ प्रेशर पड़ला से शॉक के एब्जॉर्ब करबार काम करसी पेरिकार्डियल फ्लुइड एंड इट एक्ट एज लुब्रिकेंट माने हार्ट ता जंता आराम से काम करी पारबा संता लुब्रिकेंट रो काम करसी फ्लुइड जस्ट लाइक ग्रीस नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर विद टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल ह्यूमन रो हार्ट के आमे दुटा चैम्बर रे डिवाइड करी छु अपर चैम्बर के कहा जैसी एट्रियम ऊपर जन दुटा चैम्बर अछे ताके कहा जैसी एट्रियम पिक्चर देखो तलर दुटा चैम्बर के कहा जैसी वेंट्रिकल त से हिसाब रे राइट साइड रे अछे राइट एट्रियम लेफ्ट साइड रे अछे लेफ्ट एट्रियम दैट इज राइट अपर एट्रियम लेफ्ट अपर एट्रियम अ तलर चैम्बर के कहा जैसी राइट साइड रे राइट वेंट्रिकल इटा होचे लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज द अपर चैम्बर दैट इज एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल अ वाल्व व्हिच प्रेजेंट कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भितरे गुटे वाल्व प्रेजेंट असे वाल्व माने काना इटा गुटे लाइक गेट रो काम करबा माने खुला हबा बंद हबा दैट इज कॉल्ड वाल्व जेंता की ओपन ही परबा फिर संगे संग क्लोज ही परबा So that is called as valve. A valve is present called as tricuspid valve. The right side of the valve is three cusps and three leaflets present. I mean three cusps were there. That is called as tricuspid valve. In between the left atrium and left ventricle, bicuspid or mitral valve is present. Inner jan valve thiwa that is called as mitral valve or bicuspid valve. Because na duita cusps present these. कस माने दुटा लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर सो द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकन देन एट्रियम द एट्रियम जन थिस तार वॉल सो वेल थिन थिस कंपैरेटिव टू द वेंट्रिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स जन वॉल थिवा वॉल इज वेरी थिक ता जन मसल्स लेयर थिवा मसल्स ता थिक लेयर थिवा So now come to the right atrium. आमे एबे चारटा चैम्बर बिसेरे सेपरेटली पढ़मा. The right atrium is larger than left atrium. राइट आट्रियम टिके बोर साइज रे थीसी ए मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द राइट आट्रियम कॉल्ड ऑरिकल तो बेसिकली कणा हैसी देखो अमर जन आट्रियम अछे राइट आट्रियम तार ऊपर तार टिके ऊपर पार्ट रु गुटे सैक लाइक स्ट्रक्चर और गुटे मुनी लाइक स्ट्रक्चर टे बाहरी थिबा ताहा के कहा जायसी ऑरिकल द ऑरिकल रहबार रीजन इटा है कि ऑरिकल रे माने सेटिके अधिका स्पेस देबा अधिका टिके जागा बढे देबा एरिया बढे देबा राइट एट्रियम रो तो सेतिरे बहुत से ब्लड कलेक्ट हे पारबा दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑरिकल नाउ द सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम तो एबे राइट एट्रियम रे केन केन ब्लड ड्रेन हेसे देखमा हमें केन केन थानो ब्लड कलेक्ट हेकना हेसी सुपीरियर वेना कावा superior vena cava carries deoxygenated blood from upper part of our body see this is the picture eta dekho eta amar right atrium e upper wala part au ino gute jan supply hiche seta huche superior vena cava au inferior vena cava and coronary sinus ru inke asikna blood drain hesi superior vena cava it is the vent jen ta ke deoxygenated blood carry korba बॉडी रो अपर पार्ट रो अमर अपर पार्ट रे जन नेक अछे हेड अछे सेनु डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इंप्योर ब्लड कलेक्ट हे केना राइट आट्रियम के आसवा कार द्वारा आसवा सुपीरियर वेना कावा द्वारा इंफीरियर वेना कावा सेटा इंप्योर ब्लड कैरी करबा लोअर बॉडी पार्ट रो अमर लोअर बॉडी पार्ट माने अमर लेग्स स्टोमक सब एरिया रो इंप्योर ब्लड कलेक्ट हे केना इंफीरियर वेना कावा द्वारा सेटा आसवा राइट एट्रियम के एंड कोरोनरी साइनस जेतु इन कोरोनरी वर्ड लागि छे कोरोनरी वर्ड मींस फॉर हार्ट तो हार्ट रु इंप्योर ब्लड जन हमें हार्ट रो सेल्स माने जन इंप्योर ब्लड सिथरु आसबा माने हार्ट रो सेल्स माने जन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करबे सेटा जन ब्लड के जीवा से इंप्योर ब्लड ता कोरोनरी साइनस द्वारा ओपन हेसी राइट एट्रियम के द वेना कावास आर गार्डेड बाय इस्टाचियन वाल्व अमर जन वेना कावास माने थिसन से वेना कावा माने जन जगह रे
आट्रियम रे ओपनिंग हेबे से जगह रे भाल से से भाल माने काना आघरु कोई छे भाल सर समान गेट लाइक स्ट्रक्चर थिवे और चन माने की ओपन ही परबे और क्लोज ही परबे तो सेथि लागि वेनाकावा रे भी जन भाल थिबा ताहा की कोहा जासी यूस्टाचियन भाल तो भाल रे रहबा रीजन इटा है कि भाल टा ब्लड रो वन डायरेक्शन फ्लो के एंश्योर करबा तार अर्थ उचे देखो जते बेले वेनाकावा रु ब्लड टा राइट आट्रियम रे आसबा सेते बेले भाल टा खुली जिबा खुली गला बेले आराम से वेनाकावा रु राइट आट्रियम के ब्लड आसी परबा और वंस ब्लड आला परे फेर ई वाल्व टा बंद ही जिबा क्लोज ही जिबा तो क्लोज हेला परे काना हेबा ई जन राइट आट्रियम रे ब्लड अछे सेटा आरो वेनाकावा रे बैक फ्लो करि नि पारे सेटा आरख्या वेनाकावा के जाई नि पारे दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाल्व वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो के ये एंश्योर करबा द कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय कोरोनरी और थेबासियन वाल्व अमर सुपीरियर और इंफीरियर वेनाकावा रे जन वाल्व अछे ताके ना दिया हिचे यूस्टाचियन वाल्व अ कोरोनरी साइनस सेटा भी गुटे वेसल काए सेटा के जन वाल्व टा गार्ड करूचे तार ना होचे कोरोनरी और थेबासियन वाल्व सो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेनाकावा द साइनो आर्टेरियल नोड और द एसए नोड इज प्रेजेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देखो इटा होचे राइट आट्रियम पिक्चर रे इटा सुपीरियर वेनाकावा रो ओपनिंग है ठीक ओपनिंग रा पाखे पाखे एका इठाने देखो इने गुटे स्पेशियल सेल्स माने थिसन माने स्पेशियल सेल्स रो गुटे ग्रुप थिसि दैट इज द मसल सेल माने कार्डियक मसल सेल रो इने सेल्स रो ग्रुप माने थिसन जहा कि कहा जाए साइनो आर्टेरियल नोड और द एसए नोड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एसए नोड ताहा के पेसमेकर ऑफ हार्ट बोले भी कहा जाए सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एसए नोड और पेसमेकर ऑफ हार्ट बिकॉज अमर जन मसल्स का कंट्रैक्शन हो जे हार्ट मसल कंट्रैक्शन हेबा सेटा स्टार्टिंग टा और तार ओरिजिन टा ई एसए नोड रो एका हेसी एसए नोड रे जन मसल सेल माने हिसन से माने निजे निजे नर्व इंपल्स के समाने तैयारी करबे आ से नर्व इंपल्स तैयारी हे किना एंटायर कार्डियक मसल और हार्ट रे जते मसल्स माने अछन सबके सेटा कॉन्ट्रैक्ट करबा सो दिस इज कॉल्ड एज साइनो आर्टेरियल नोड एंड इट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इनु एका हार्ट रो कॉन्ट्रैक्शन टा ओरिजिन होचे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ हार्ट नेक्स्ट इज अनदर देयर इज नोड दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और द एवी नोड which is present in the interarterial septum from where the atrioventricular bundle or bundle of Hitch starts and passes through the interventricular septum see we have another node or another group of special cells that is called as av node dekho eta hoche picture re av node ta kena ache jen thane right atrium or right ventricle ta missi aichon mane dui lokar majhi part ne atrioventricular node ache अब एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ठीक जनो इंटर आर्टेरियल सेप्टम थिवा ई जगह रे देखो दिस इज द इंटर आर्टेरियल सेप्टम जेंता के दुटा आर्ट्रियम रा मझी रे अछे सेनो थिवा विथ द पार्ट ऑफ जॉइनिंग ऑफ आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जेनो मिसुचन से जगह रे एवी नोड ता देखा जायसी एंड फ्रॉम दिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और द बंडल ऑफ व्हिच इज स्टार्टेड इठानो आउ गुटे सेल रो बंडल स्टार्ट हवा दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल सी इन द पिक्चर इनो दुइटा स्टार्ट हिचे गुटे लेफ्ट अड़के जेचे और गुटे राइट अड़के जेचे ताहा के कहा जासी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और टिके थुल आला परे ई जन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बने अछन ए माने फर्दर डिवाइड हिजिबे परकिंजे फाइबर रे सी दिस स्मॉल ब्रांचिंग माने जन अछे ई मान के कहा जासी परकिंजे फाइबर तो कारण स्टार्ट हला इटा एवीएन ता स्टार्ट हला अमर इंटर आर्टेरियल सेप्टम रे नियर द यूनियन पार्ट जेने दुटा मिसी एजन आट्रियम और वेंट्रिकल मिसी एजन माने जेना से माने एक दूसरे कर संगे कनेक्ट रे आसुचन से जगह रे इटा थिसि तापरे सेनो बंडल ऑफ हिच स्टार्ट हेसि सेटा टोटली अमर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रे पास करला सी इटा टोटल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रे पास करला आ टिके थुर गला परे फेर परकिंजे फाइबर कन्वर्ट गला माने सेथिरु फर्दर ब्रांचिंग बाहरी से जहा की कहा जाय से परकिंजे फाइबर सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिच एंड द परकिंजे फाइबर तो वंस एवी नोड रे जन कॉन्ट्रैक्शन टा और जन इंपल्स स्टार्ट हला से अमर आट्रियम मान के कॉन्ट्रैक्ट करबा रे हेल्प करबा एबे इनु जन इंफॉर्मेशन अछे और जन नर्व इंपल्स टा अछे सेटा इन आट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड के आसला एबे एवी नोड
अगेन स्टार्ट करबा वेंट्रिकल रो कॉन्ट्रैक्शन तो जेहेतु आमे पढ़ी छु कि वेंट्रिकल रो वॉल्स माने बहुत थिक थिसन तो इमान के कॉन्ट्रैक्ट करबार लागि आमके अधिका नर्व इंपल्स रो रिक्वायरमेंट अछे तो से अधिका नर्व इंपल्स रो रिक्वायरमेंट के फुलफिल करबार लागि वी हैव दिस ब्रांचिंग ए जन ब्रांचिंग माने अछि बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर इमानकर द्वारा एका नर्व इंपल्स ता एंटायर वेंट्रिकल रे सर्कुलेट हे पारसे आरो एंटायर वेंट्रिकल पहुंचे कि ना फिर टोटल वेंट्रिकल रो कॉन्ट्रैक्शन हे परबा सो इथरो आमे जानला कि राइट आट्रियम एंड लेफ्ट आट्रियम माने आट्रियम रो कॉन्ट्रैक्शन लागि वी नीड साइनो आट्रियल नोड आउ साइनो आट्रियल नोड फिर आके बढ़ी के ना ए भी नोड के इंपल्स पास करबा सेथिरो फिर बंडल ऑफ हिस आउ परकिंजे फाइबर देके ना एंटायर वेंट्रिकल रे नर्व इंपल्स पास देके ना वेंट्रिकल रो कॉन्ट्रैक्शन होबा Now come to the right ventricle. The right ventricle is triangular in shape. The right ventricle receives deoxygenated blood from the right atrium, which is guarded by tricuspid valve. See, this is the picture. Ita huche amar right atrium. Right atrium entire blood nu superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus dwara. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करला एबे राइट आट्रियम रो ई ब्लड ता आसपा राइट वेंट्रिकल के जेंटा कि तार तलर चैम्बर है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट साइड रो एका ब्लड प्लस ई परबा राइट आउ लेफ्ट भितरे किछ भी एक्सचेंज नै बे जहा बे ब्लड आसपा से राइट आट्रियम रो राइट वेंट्रिकल के आसवा तो देखो राइट आट्रियम रो जन राइट वेंट्रिकल के ब्लड आसला इना मजरे क्वाय छ कि गुटे वाल्व प्रेजेंट थिसे सो दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व जेंटा कि इन बिटवीन राइट आट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट अछि तो जते बेले ब्लड आसपार थिबा ई वाल्व ता ओपन हिजबा वाल्व ओपन हला परे आट्रियम ता वेंट्रिकल के पले आसपा तापरे फेर ई वाल्व ता बंद हिजबा सो दैट जन ब्लड ता राइट वेंट्रिकल रे अछि सेटा आ राइट आट्रियम के बैक फ्लो नै करि पारे सो इन अ जन वाल्व अछि दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व बिकॉज़ एथरे तीन ता कस्प प्रेजेंट थिसे सी इन अ पिक्चर आमे देखि परमा देखो तीनटा कस माने अछे और तीनटा लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर अछे सो दिस इज वन लीफलेट फेट 2 एंड 3 तीनटा इन अ प्रेजेंट अछे इन द राइट साइड सो द वाल्व्स आर अटैच्ड विद द पैपिलरी मसल्स बाय कोडा टेंडेनी अमर वेंट्रिकल्स रे स्पेशल मसल्स प्रेजेंट हेसे जहाके कहा जासे पैपिलरी मसल्स तो पैपिलरी मसल्स रो काम करना है सी इन द पिक्चर दिस इज द वाल्व वाल्व आर अटैच्ड विद द पैपिलरी मसल इन तले जन मसल देखा जाउ छे इटा होचे पैपिलरी मसल पैपिलरी मसल्स और वाल्व माके के कनेक्ट करी छे इटा गुटे टाइप रो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज कॉल्ड एज कोडा टेंडिनी दिस इज द वन टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज कोडा टेंडिनी तो ई कोडा टेंडिनी रो काम करना है कोडा टेंडिनी और पैपिलरी मसल्स मिसि के ना इमाने वाल्व के ओपन और क्लोज हे बारे काम करबे जस्ट लाइक जनता हमें गुटे गेट के खुलवार लेते के घिचू छु और फिर तक के बंद करू छु ना एक्जेक्टली इटा हंता का काम है से माने कोडा टेंडिनी पैपिलरी मसल्स इमाने कॉन्ट्रैक्शन हेबे माने पैपिलरी मसल्स ता कॉन्ट्रैक्शन हेबा सेथरे कोडा टेंडिनी घिची हेबा और वाल्व ता ओपन हे जिबा फिर पैपिलरी मसल रिलैक्स हे जिबा कोडा टेंडिनी भी रिलैक्स हे गलो पहिले वाल्व ता क्लोज हे जिबा दिस इज द फंक्शन ऑफ कोडा टेंडिनी पैपिलरी मसल्स so the pulmonary trunk arises from the right ventricle ebe dekho amar right ventricle ru kana barilla that is pulmonary trunk aur ta ke pulmonary arteries bhi kaha jaye se so see this is the right ventricle ino barla eta huche amar pulmonary trunk ekar tike thur jai kina right aur left pulmonary artery re convert hi jaye se you can also write pulmonary artery here तो इटा बाहरला राइट वेंट्रिकल रो सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड नेकिना जीवा लंग्स मानकर पाके बिकॉज लंग्स ने हमके इम्प्योर ब्लड के प्योर करवार छे से ब्लड रो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हे जीवा आ ऑक्सीजन ऐड हे जीवा सो दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक दिस इज हियर जेंटा की राइट वेंट्रिकल रो ओपन होचे आरो फेट टिके धुर जाय किना पल्मोनरी आर्टरी रे कन्वर्ट हे जोचे right pulmonary artery and left pulmonary artery which carry impure blood to the lungs so now the okay
जनता के हमें आग्रह पड़ी थी कि जेंट हने हमर भेसल्स माने बाहरु चन लाइक सुपीरियर वेना बा इंफीरियर वेना का बा तकर ओपनिंग पार्ट रे गुटे भाल रहू छे इनो भी हंता पल्मोनरी ट्रंक जन अराइज हो छे राइट वेंट्रिकल रो सेना भी गुटे भाल फिस दैट इज कॉल्ड लाइक सेमी ल्यूनर भाल तो सेमी रो अर्थ हो छे हाफ एंड लूनर रो अर्थ हो छे मून तो इनो जन भाल हो छे सेता हो छे सेमी ल्यूनर माने हाफ मून शेप रो थेसे दैट्स व्हाई ताकी कहा जाय छे सेमी ल्यूनर भाल तो इनो भी फंक्शन सेम है का है जेते बेले राइट वेंट्रिकल रो ब्लड ता एंटर करवा पल्मोनरी ट्रंक के और पल्मोनरी आर्टरी के ई वाल्व ता ओपन हे जिबा दैट इज द सेमी लूनर वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ता के हमें कोई बार मा सेमी लूनर और पल्मोनरी वाल्व इटा ओपन हे जिबा तो बेटर सेमी लूनर वाल्व रेपटा बेटर है तो ई बाटे जिबा तपरे जते बेले ब्लड पले गला पल्मोनरी ट्रंक के से टाइम रे वाल्व ता अगेन क्लोज हे जैसे सो नाउ कम टू the left atrium it's cuboidal in shape it receives blood from the lungs by four pulmonary vents see students this is the left atrium dekha left atrium re kana huche eta blood receive karuche pure blood ke receive karba kenu receive karba from the lungs tebe dekho entire body ru impure blood collect he kena right atrium ke asla right atrium ru right ventricle ke gala राइट वेंट्रिकल रो पल्मोनरी आर्टरी देखना लंग्स के गला लंग्स ने ब्लड प्योर हबा प्योर ही किना सेटा फेर घा चारटा पल्मोनरी वेन देखना पले आसबा राइट लेफ्ट आर्टरीम के थ्रू फोर पल्मोनरी वेन्स द प्योर ब्लड कम टू द लेफ्ट आर्टरीम तो इना गुटे जने स्मार्ट करबार अछि हमके एंटायर बॉडी रे जेन अभी प्योर ब्लड सप्लाई हो छे ताहा की कहा जायसी आर्टरी जार द्वारा प्योर ब्लड सप्लाई हो छे दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज आर्टरी जेंठाने इम्प्योर ब्लड सप्लाई होचे ताहा के कहा जाय से वेन बट द ओनली एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी वेन एंड द पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड प्लीज इता के दिखे सोर रखबो तो चारटा पल्मोनरी वेन सी इन द पिक्चर 1, 2, 3, and 4 ई चारटा पल्मोनरी वेन देखना लेफ्ट आर्टरीम के प्योर ब्लड हार्ट लंग्स रु पले आसबा इट हैज नॉट गार्डेड बाय एनी वाल्व तो इने गुडे हम के देखवार छे पल्मोनरी वेन ने इना जन ओपनिंग अछे इन ओपनिंग रे केहनी गार्ड रो केहनी वाल्व रो रिक्वायरमेंट नै था सो देयर इज नो वाल्व इन द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स एबे ब्लड ता पल्मोनरी वेन रो लेफ्ट आर्टरीम के आला लेफ्ट आर्टरीम रो से आसपा लेफ्ट वेंट्रिकल के जनता की तलर चैंबर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल वेरी इंपोर्टेंट द वॉल्स आर थिक लेफ्ट आर्टरीकल लेफ्ट वेंट्रिकल रो वॉल्स थिक थिस It receives oxygenated blood from the left atrium, which is guarded by mitral or bicuspid valve. So we have already studied left atrium ro left ventricle ke jan aspa blood ta ina valve thesi valve ke mitral valve or bicuspid valve koha jaisi. The valves are attached with papillary muscles by Cotta tendon. As I have already described you, ventricles ne valve ro opening or closing lagi. पापिलरी मसल्स से जनता की कोडा टेंडन संगे अटैच है फिर से पापिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हबा वाल्व ओपन हबा फिर रिलैक्स हबा वाला वाल्व क्लोज ही जिबा द आउटा एराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी सबको नो इंपोर्टेंट पार्ट हो जे आवर लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज़ लेफ्ट वेंट्रिकल रे का प्योर ब्लड बाहर ही किना एंटायर बॉडी के सप्लाई देसी तो इना जन लेफ्ट वेंट्रिकल लो प्योर ब्लड ता बाहर बा सब वेसल ना हो जे एओटा aorta that is the aorta seno likhai che aorta to aorta arises from the left ventricle and it supply oxygen blood to the whole body the aorta is divided into ascending aorta arch of aorta and descending aorta dekho ino tamar aorta ta baharla aorta ke ame bahrun sar se vessels ke tinta part divide karchu इटा होचे असेंडिंग आउटर असेंडिंग माने का ऊपर के उठवाटा तो देखो इनो वेसल टा बाहरला इटा टिके ऊपर के चढ़ीचे ऊपर के चढ़ला परे फेर इटा एंता आर्च हिचे आर्च माने का धनु बागीटा एंता मुड़ी ही जीचे दिस इज कॉल्ड एज आर्च ऑफ आउटर ई पार्ट के मेनली आर्च ऑफ आउटर कहा जैसी इटा जन एंता मुड़ी ही जीचे दिस इज द आर्च ऑफ आउटर तो ई ऊपर पार्टा जनता उठी किना अछे ऊपर के गला दैट इज असेंडिंग देन आर्च ऑफ आउटर तापर वेसल टा तल आड़ के मुड़ी ही जीवा फेर छटा तल के पले आबा तो डिसेंड रो अर्थ होचे तलके आवटा सो दिस इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग आउटर तो आउटर बाहरला लेफ्ट वेंट्रिकल रो पहला टिके ऊपर की उठला पार्ट के हमें कहम असेंडिंग आउटर
फेर से मुड़ी हला ताकि कहजा आर्च ऑफ आउटा फेर तल के हला दैट इज कॉलेज डिसेंडिंग आउटा. सो द आर्च ऑफ आउटा ओपनिंग इज गार्डेड बाय सेमिलुनर भाल्व. इन अभी ऑलवेज सी भाल्व प्रेजेंट इज सी जस्ट लाइक आवर पल्मोनरी ट्रंक. इटा के भी कहा जाए सी सेमिलुनर भाल्व और आउटिक भाल्व. तो मेनली कहना है देख इन जन भाल्व मान थी पल्मोनरी ट्रंक रे हेगला और आउटर हेगला जेनटा के वेंट्रिकल्स रो बाहरी छे. इन जन भाल्व थीबा तार शेप होचे सेमी लूनर शेप माने हाफ मून शेप रो थीबा. और जेनटा पल्मोनरी ट्रंक के गार्ड करचे दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी भाल्व. जेनटा के आउटर के गार्ड करचे ताके कहा जायसी एओटिक भाल्व. Now the coronary artery which supply oxygenated blood to the heart arise from ascending aorta. Very important. Amar heart ro cells man ke bhi oxygen darkar. To se man ke jan oxygen supply karsi blood vessel taki kaha jaisi coronary artery. As we have already studied ki aorta ro branching mane bahar se thiru artery arterioles bahar se. To amar heart ke supply karba lagi bhi thik ascending aorta ro ithano branching mane bahar ba. Taki kaha jaisi coronary artery. Which supply oxygenated blood to the heart. Oh, jan impure blood collect hoche, that is by coronary sinus. Jan take right atrium re fall hoche. Now come to the heart muscle. The wall of heart is made up of special heart muscle called as cardiac muscles. Our heart region muscles mane achan tahake cardiac muscles kahe jaisi, and those are very important for the functioning of heart. Because our entire heart ta hollow organ hai. होलो ऑर्गन अच्छे तब चारी आड़े बस मसल्स रो लेयर बना अच्छे तो सही मसल्स रो लेयर का फंक्शन कर सम. सो व्हाट आर द थ्री लेयर्स. आउटर पेडिकार्डियम जेंटा के हमें पढ़ी साला नो आगरू दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन. देन मिडिल मायोकार्डियम जेंटा की मस्कुलर लेयर है एंड इनर एंडोकार्डियम व्हिच इज अ थिन एंडोथेलियल लाइनिंग फॉर्मिंग द वॉल ऑफ ल्यूमेन ऑफ हार्ट. इटा के हमें बुझमा सी दिस इज द पिक्चर. इमेजिन करो इटा होचे हमर पेडिकार्डियम जेनटा कि आम आगू पढ़ी छूँ डबल वर्ल्ड मेम्ब्रेन फाइरस फाइब्रस लेयर एंड सेरस लेयर. तापर ई जेन मझी लेयर अच्छे दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम मायो रो वर्ड होचे मसल्स. मायो वर्डटा मसल्स लगी यूज हेसी. सो दिस इज द मायोकार्डियम जेनटा कि मसल्स रो लेयर है. आर हे मसल्स रो लेयर तले देख गोटे पतला एपिथेलियल सेल दैट इज जहाँ कि आम एंडोथेलियल सेल भी कही पार्मा. से सेल्स रे गोटे लाइनिंग थीसी दिस इज द लाइनिंग जहाँ की कह जाए एंडोकार्डियम. आमर हार्ट रेन लुमेन्स अच्छे और हार्ट रेन चैम्बर्स मैंने अच्छे जेन होलो स्पेस अच्छे ना ये एंडोकार्डियम एगा ताके लाइन करसी. मैंने इटा एंडोकार्डियम के भीतर के आला परे इन हार्ट रो स्पेस मिलवा और जेन चैम्बर जेन होलो पार्ट अच्छे से इन मिलवा. सो दिस इज द वॉल ऑफ मसल्स. सो आम इस सब जिनिस के टिके भल से देखी दमा. This is our four chamber, right atrium, left ventricle, right atrium receive blood from superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, impure blood ta right atrium to right ventricle kiala, right ventricle lo pulmonary trunk te kina lungs ke gala, lungs re purify hala, purify he kina pulmonary vein te kina left atrium kiala, left atrium ro fer left ventricle kia asta, left ventricle re pure blood throughout the entire body ke supply karva. This is the circulatory pathway. So that's all about the structure of heart. Thank you, students. Hello.